चाहते हैं तो आप बढ़ा लें देख लें इसका जो शेडो है वो थोड़ा सा अगर आप उसे जैसा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपना ऑफसेट एक्स और वाई सेट कर लें इसी हम ये जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है इसके सेंटर में आप इसे रख लेंगे आप अपने अंदाजे से सेंटर में कर लें तो ये सेंटर में ही लग रहा है और थोड़ा इसे ऊपर की जानब कर लेंगे यहाँ पर साइज़ आप मज़ीद बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ा लें इतना और अभी मैं इसको टेक्स्ट को ही कॉपी कर रही हूँ कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसे मज़ीद एडिट कर लेते हैं ये टेक्स्ट लिख कर ओके कर लेंगे लेकिन इसके ऊपर ज़रा स्ट्रॉक श्रौ, और शेडो लगा हुआ है इससे मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ क्योंकि ये हमारे पास जहाँ पर हम उनवान लिखें किसी चीज़ का वहाँ पर तो शेडो और स्ट्रॉक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन जो हमारा टेक्स्ट होता है उस पर अच्छा नहीं लगता ज़्यादा हमने स्ट्रॉक और शेडो नहीं रखना होता तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉक ज़रा कम कर लेती हूँ इसका कलर टेक्स्ट का वाइट कर लेते हैं और साइज कम करके हम यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेते हैं साइज़ बढ़ा लें थोड़ा सा और इसके अलावा आप शरकारी का भी अगर व्हाइट टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख लें बस वही कलर रखें जो कि अच्छा लगे मैं यही रहने देती हूँ इसके बाद आता है हमारा बैग बैग साइड पर उससे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसी शजरकारी को कॉपी कर लें कॉपी करने के बाद साइज़ कम कर लें इसकी अगर यहाँ पर उसे रख लें और इसका साइज ज़रा कम रख लें थोड़ा और कम यहाँ पर हम रखेंगे और इसको यहाँ से पोजीशन से और इसका यहाँ पर आप शेडो भी ख़त्म कर दें बिल्कुल शेडो के बग़ैर यहाँ पर होगा यहाँ से और इसी को कॉपी कर लेंगे वैसे इसका मैं स्ट्रोक भी हटा देती हूँ बिल्कुल सिंपल रहने दें यहाँ पर स्ट्रोक हटा देंगे और कलर इसका वाइट कर लेते हैं कलर वाइट करके इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ कॉपी करने के बाद हम जब ये यह यहाँ पर टेक्स्ट छोटा हो और आप उसे मूव